क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार? या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? संतोषपुर ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ के निवासियों से मैं जानकारी करता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार का चुनाव किस करवट बदल रहा है। यहाँ मैं बात करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान। कैसे हैं आप? सही है। चुनाव चल रहा है लोकसभा, तो किसके पक्ष में इस वक्त हवा चल रही है? गांव झुका हुआ थी है सब। गांव का किस तरह झुका हो? अब देखो क्या झुका हो बे। नहीं, जैसे बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, किसकी तरफ है? बुज्जात तो सब जगह है वो जरूर। नहीं, आप सरकार किसकी बना रहे हैं, बीजेपी की या गठबंधन की? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है? कैसे बन रही है? अब बना रहे लोग तब पर बन रही है। हम नहीं, नहीं, क्या खास बात है बीजेपी में जिससे सरकार बन रही है, गठबंधन की क्यों नहीं बन रही है? इतनी जानकारी है मैंने भैया। यहाँ पर मैं और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे माहौल है। क्या नाम है आपका? किसकी सरकार बना रहे हो केंद्र में? बीजेपी की। बीजेपी की? बीजेपी की क्यों बना रहे हो? क्यों सब बना, बना रहे थे, सब बना रहे थे, सब बना रहे। तो सपा के यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए, बहुजन समाज पार्टी खड़े हुए, उनको वोट मिल रहा? मुझे क्या पता, तुम्हें नहीं मालूम। आप किसके वोट डाल रहे हो? तो बाहरी आदमी है ना। बाहर के आदमी? तो पूरा भारत का चुनाव हो रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी ही बनाएंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जीतू। जीतू जी, यहाँ लोकसभा फरकाबाद में तीन पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किसको आप जिता? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बस ऐसे ही माने हमारा। नहीं नहीं, क्या मुद्दा क्या है जीत का, कोई कारण? राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर। बस तो, वो हिंदू की बात करते हैं इसलिए हम जिता रहे हैं उन्हें। अच्छा, इसलिए था। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं वोट दे रहे आप? नहीं, उसको नहीं, वो तो गुंडा पार्टी है। गुंडा पार्टी है, उसको नहीं। तो इस बार आपके प्रत्याशी कितने वोटों से जीत रहे? कम से कम 2-2.5 लाख वोट से। 2-2.5 लाख? 2.5 लाख वोट से आएगी बीजेपी। और भारत में जो प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। गठबंधन नहीं बने? ना ना। क्यों? ना क्यों, कारण क्या है? कारण कुछ भी हो लेकिन नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की, आप बताइए। नरेंद्र मोदी है, बने आप और किन की? अच्छा, और यहाँ यहाँ फरकाबाद में जीत किसकी होगी? मुकेत की सरकार, मुकेत राजपूत की। किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। कितने मतों से जीत होगी? मतों में तो नहीं मालूम, लेकिन जीते हैं भाई। पूर्व बहुत है ना, सब लोग वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, हाँ, क्या फायदा है ये सरकार? हम जो फायदा है वैसे मैनपुर जिला में लाइट आती जाता है। हाँ। यहाँ का आदमी काश्तकार बेचारों घूम रहे, पानी बता रहे, बत्ती आ रही नहीं आ रही, फसलें सूख रही है, सब वोट वहीं से मिलते थे। अब यहाँ से आराम, लाइट आराम 24 घंटा चल रही, जब मन कर तब आराम, जब काश्तकार भर के आराम चलो घर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई विकास कार्य किया है आपके यहाँ? फरकाबाद जिला में कुछ नहीं हुआ। तो इस बार किसको मत, किसकी मत है? बीजेपी जीते। पक्का? पक्का। सरकार किसकी बना रहे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो क्या खास बात क्या है? खास बात यही है, सुविधाएं सही है, दिन रात आदमी कहूँ घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। फरकाबाद लोकसभा में इस वक्त जो ग्राम में हमने सर्वे किया, तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। और फरकाबाद लोकसभा की बात करें तो मुकेश राजपूत के लिए ज्यादा मतदान करने की बात करी है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस करवट ऊट बैठता है।